Assalamu alaikum. Next class of the fishes is the bony fishes. Their skeleton is made up of bone. Bony fishes are characterized by having at least some bone in their endoskeleton or scales. Bony operculum covers the gill opening and the lungs or swim bladder. These three characteristics are the basic differences between the bony fishes and the cartilaginous fishes. First one is bony fishes have some bone in their skeleton or scales. Gills are covered with a bone operculum and lungs or swim bladder is present. In this class, while all these three structures mostly absent in the previous class or in the class Chondrichthyes. Any group that has at least 20 this group at least has 24 species, and it is the major life form in the Earth's vast aquatic habitat, must be judged very successful from the evolutionary perspective. The first fossil of the bony fishes are from late Silurian period. This is the evolution of the fish, bony fishes. You can get first fossils of bony fishes from the late Silurian deposits approximately 405 million years ago. By the Devonian period, 350 million years ago, the two classes were in the midst of their adaptive radiations. क्लास सार्को टेरा जाए. अच्छा, जो पिछले एडिशंस थे बुक में, उसमें क्लास ऑस्टिकथीस के अंदर ही सारी बोनी फिशेज आएंगी, लेकिन अब यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन इन्होंने की है. क्लासिफिकेशन आपको मैंने पहले भी बताया था कि 100% ऑथेंटिक कोई भी नहीं होती. इन्होंने वहाँ पे ये सार्कोटेराजाए और एक्टिनोटेराजाए का लोअर लेवल था, अब इन्होंने यहाँ पे सार्कोटेराजाए और एक्टिनोटेराजाए को क्लास लेवल पे कर दिया है. मेम्बर्स ऑफ द क्लास सार्कोटेराजाए हैव मस्कुलर लोब्स एसोसिएटेड विद देयर फिन्स एंड आर एंड यूजुअली यूज लंग्स इन गैशियस एक्सचेंज. अच्छा, अब ये जो हैं एनिमल्स, इनके जो फिन्स हैं उनके साथ मोस्टली मस्कुलर लोब्स होते हैं. दीज आर द फिन्स ऑफ द फिशेस. ठीक है, इसके साथ मसल्स मस्कुलर लोब्स अटैच होंगे और ये ज़्यादातर गैशियस एक्सचेंज के अंदर लंग्स को यूज़ करते हैं. वैसे होना तो ये चाहिए ना कि पानी के अंदर रह रही हैं तो फिश को लंग्स नहीं गिल्स यूज़ करने चाहिए. अब इनका ये जो एक ग्रुप है, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द सार्कोटेरिजेंस आर द लंग फिशेस. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू टू. ओनली 3 जेनरा लिविंग टुडे एंड लिव इन द रीजन्स वेयर सीजनल ड्रॉट्स आर कॉमन. आपको इस लंग फिशेस के 3 जेनरा आजकल मिलेंगे और उन इलाकों में मिलते हैं जहाँ पर जब गर्मी का सीज़न आता है ना, ड्रॉट का हद पड़ जाता है या पानी वहाँ से खुश्क हो जाएगा. अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि लंग फिश सर्वाइव कैसे करती है. व्हेन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स बिगेन टू स्टैगनेट, कहते हैं गंदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी मिट्टी वाला, और ड्राई होना शुरू हो जाते हैं. देखें, वाटर जो है उसे हमेशा क्लीन होना चाहिए जिसमें फिश ने रिस्पायर करना है. अगर आप एक्वेरियम के अंदर है, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने एक्वेरियम रखे होंगे, ऐसा तो आप लोग कभी भी नहीं करते कि एक्वेरियम के अंदर मुट्ठी भर के मिट्टी की डाल दी. अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो मिट्टी है वो फिश के गिल्स के ऊपर चिपकना शुरू हो जाएगी और फिश जो है सांस नहीं ले पाएगी, दम घुटने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी. दिस फिशेज यूज लंग्स टू ब्रेथ इन एयर. अब जिस वक्त बस वाटर रिजर्वायर्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं या गंदे होना शुरू हो जाते हैं तो ये फिशेज जो हैं लंग्स को यूज़ करती हैं एयर में सांस लेने के लिए. सम नियोसेराटोडस इनहेबिट द फ्रेश वाटर्स ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया. दे सर्वाइव स्टैग्नेशन बाई ब्रीदिंग एयर बट दे नॉर्मली यूज गिल्स एंड कैन नॉट विदस्टैंड टोटल ड्राइंग. अच्छा, अब ये जो ये है नियोसेराटोडस, ये लंग्स को यूज़ करती हैं फॉर रिस्पायरेशन. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ड्राई एनवायरनमेंट में, जैसे हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, ये ऐसा नहीं रह सकती. अदर्स आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स इन द ट्रॉपिकल अफ्रीका प्रोटोटेरस एंड ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका. लेपिडोसायरन दे कैन सर्वाइव व्हेन लेक्स और रिवर्स आर ड्राई बाय बर्विंग इनटू द मड. जिस वक्त दरिया या खुश्क होना शुरू हो जाते हैं तो ये बॉटम में बर्विंग करती हैं और वहाँ पे अपने आप को बरी कर लेंगी. दे कीप अ नैरो एयर पाथवे ओपन बाय
बबलिंग एयर इन टू द एयर टू द सर्फेस। अब ये सर्फेस एयर के साथ एक्सचेंज कैसे करती हैं, इनके पास लॉन्ग हॉलो ट्यूब होती है और इन्होंने ना जो इनकी बर होती है उससे वो ट्यूब बाहर निकाली हुई होती है। जब सबस्ट्रेट ड्राई होता है तो वहाँ पे आपको एविडेंस अगर लंग फिश की चाहिए तो आपको अर्थ के अंदर छोटी सी छोटा सा होल या ओपनिंग मिलेगी जिससे ये एयर के साथ एक्सचेंज कर रही होती हैं। लंग फिश मे रिमेन इन एस्टिवेशन फॉर 6 months और मोर। एस्टिवेशन डॉर्मेंट स्टेट है जो एनिमल को ड्रॉट की कंडीशंस या ड्राई पीरियड्स के साथ रहने में हेल्प करेगा। व्हेन रेन अगेन फिल्स द लेक और द रिवर बेड लंग फिश इमर्ज फ्रॉम देयर बरोज टू फीड एंड रिप्रोड्यूस। जब दोबारा से जो बारिश है वो फिल कर देगी दरिया को तो ये निकल आती हैं अपने बरों से और ये फीड करेंगी और रिप्रोड्यूस करेंगी। अ सेकेंड ग्रुप ऑफ सार्कोटेरेजेंस, सार्कोटेरेजेंस का सेकेंड ग्रुप जो है वो है सीला कैंस। द मोस्ट रिसेंट सीला कैंस फॉसिल्स आर फाउंड आर मोर देन 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड। In 1938, however, people fishing in the deep water off the coast of South Africa brought up one fish that was identified as coelacanth. अभी 1938 में एक फिश को साउथ अफ्रीका से लेके आए थे और उसको आइडेंटिफाई किया गया एज अ coelacanth. उससे पहले हम समझते थे भी ये सारे एक्सटिंक्ट ग्रुप है, फॉसिलाइज्ड हैं। सिंस देन न्यूमरस अदर स्पीशीज हैव बीन कॉट इन टू डीप वाटर अलॉन्ग विद द कोमोरो आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। द डिस्कवरी ऑफ दिस फिश लेटमेरिया Volumeni was a milestone event because coelacanth had previously been known only from the fossil record. अब इस लेटमेरिया species को जो capture किया गया ये एक बड़ा इनकलाब था क्योंकि इससे पहले हम ये समझते थे कि ये सारी fishes fossilized form में है। अब इसका weight 80 kg तक था और इसके पास heavy scales थे। A second species of the coelacanth लेटमेरिया Menadoinensis was discovered in 1997 off the coast of the Indonesia. Initially, coelacanths lived in the freshwater lakes and rivers. Thus, the ancestors of the Latimeria must be moved from freshwater habitat to the deep sea. ये कहते हैं कि ancestral जो coelacanths थे वो freshwater और rivers में रहते थे और जो Latimeria के ancestors हैं वो freshwater से deep sea में उन्होंने migration की थी। A third group of sarcopterygians is the Tetrapodomorpha became extinct before the close of the Paleozoic era. Tetrapodomorpha Paleozoic period ख़त्म होने से पहले extinct हो चुके थे। This group include the ancestors of Phoenician, amphibians and all the tetrapods. और ये जो ग्रुप है इसमें amphibians और तमाम tetrapods के ancestors शामिल थे। ये देखें ये coelacanth, the two species of Latimeria, the only surviving coelacanth. इनके heavy scales थे और इनका weight तकरीबन 80 kg तक था। उसके बाद ठीक है, okay, this is the completion of the class Sarcopterygia. Thank you. अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द क्लास एक्टिनोटेरेजाए बोनी। दिस इज़ द क्लास ऑफ द बोनी फिशेस। दे कंटेन फिशेस दैट आर समटाइम कॉल्ड एज रे फिन फिशेस बिकॉज देयर फिन्स लैक मस्कुलर लोब्स। इन केस ऑफ क्लास सार्कोटेराजाए मस्कुलर लोब्स वर प्रेजेंट ऑन द स्केल्स बट रे फिन फिशेस डोंट हैव मस्कुलर लोब्स ऑन देयर स्केल्स। They usually possess swim bladder is present. Now, what is the swim bladder? This is the definition of the swim bladder: gas-filled sacs along the dorsal wall of the body cavity that regulate buoyancy. ये गैस फिल्ड सैक है और ये बॉडी के डॉर्सल साइड पर मौजूद होती है और इसने बायोंसी को रेगुलेट करना होता है। जूलॉजिस्ट नाउ रियलाइज दैट देयर हैव बीन मैनी पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ द एक्टिनोटेराजाए। वन ग्रुप ऑफ द एक्टिनोटेराजाए द कॉन्ड्रोस्टियंस contain many species that lived during the Permian, Triassic and Jurassic period, approximately 215 to 120 million years ago, but only 25 species remain today. तकरीबन इसके कई species मौजूद थी लेकिन आजकल जो present species हैं वो हैं 25 species.
Ancestral chondrosteans had a bony skeleton, but living members, the sturgeons and paddlefishes, have cartilaginous skeleton. Ancestral members के पास bony skeleton था, लेकिन अब जो living members हैं, sturgeons वगैरह हैं और paddlefishes हैं, उनके पास cartilaginous skeleton है. Chondrosteans also have a tail with a large upper lobe. अब इनकी जो tail होती है, उसके ऊपर उसका upper lobe जो होता है, वो large होता है. ये क्लास सार्कोटेराजाई की एग्जांपल है. द क्वीनलैंड लंगफिश न्यूसेराटोडस फॉरेस्ट्री इज एन एनिशियंट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द लंगफिश लीनेज. लंगफिश हैव लंग दैट अलाउ देम टू विदस्टैंड कहते हैं खड़ा रहना स्टैग्नेशन गदला पानी ऑफ इट्स हैबिटेट. ये लंग फिशेज की आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई गई है. Most sturgeons live in the sea and migrate to the river to breed. अब इनका habitat क्या है? Sea water में रहती हैं, लेकिन जब breeding करनी होती है तो fresh water में move करेंगी. Some sturgeons live in fresh water but maintain their migratory habit of their marine relatives. अब जो fresh water में रहती हैं वो भी marine अपने relatives की या रिश्तेदारों की habit को बरकरार रखती हैं, वो भी migration करेंगी. अब इनका वेट कितना हो सकता है? अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg एंड बोनी प्लेट्स कवर द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी. हैवी स्केल्स अकर अलॉन्ग द लेटरल सर्फेसिस. लेटरल सर्फेसिस पे आपको साइड्स पे बहुत हैवी स्केल्स मिलेंगे. द स्टर्जियन माउथ इज स्मॉल. स्टर्जियन का माउथ स्मॉल होगा और जाज वीक होते हैं. स्टर्जियंस फीड ऑन इन्वर्टिब्रेट्स. ये इन्वर्टिब्रेट्स पे फीड करते हैं. दैट दे स्टेर अप फ्रॉम द सी एंड रिवर बर्ड बेड ड्यूरिंग देयर स्नाउट यूजिंग देयर स्नाउट्स. स्टर्जियंस आर वैल्यूड फॉर देयर एग्स. इनके एग्स को कहते हैं केवियर. ये भी ऑब्जेक्टिव में आता होता है. दे हैव बीन सीवियरली ओवरफिश्ड. अब इनके एग्स वगैरह खाए जाते हैं तो उसके लिए इनकी ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है. पैडल फिशेज आर लार्ज फ्रेश वाटर कॉन्ड्रोस्टेंस. दे हैव लार्ज पैडल लाइक रोस्ट्रम दैट इज इनरवेटेड विद सेंसरी ऑर्गन्स लीव टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स. अब जो पैडल फिशेज हैं उनके जो स्नाउट्स हैं इनर वेट भरे हुए होते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर से जो वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं. दे स्विम थ्रू वाटर विद देयर लार्ज माउथ ओपन फिल्टरिंग क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल फिशेज. अब ये पानी में जब मूव करेंगी तो ये अपना मुँह खोल के मूव करती हैं. उससे ये होगा कि जितनी स्मॉल फिशेज और क्रस्टेशियंस वगैरह वो इनके मुंह के अंदर फिल्टर होते जाते हैं, यानी ये फूड ऐसे लेती हैं. दे आर फाउंड मेनली इन द लेक्स एंड द लार्ज रिवर्स ऑफ मिसिसिपी रिवर बेसन एंड आल्सो फाउंड इन द चाइना. द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एक्टिनोटेराजाइंस नियोटेराजाए फ्लरिश्ड इन द जुरासिक पीरियड एंड सक्सीडेड मोस्ट कॉन्ड्रोस्टियंस. जो लार्जेस्ट ग्रुप है एक्टिनोटेराजाए का उसको कहते हैं नियोटेराजाए. ये ज्यूरासिक टाइम पीरियड में फ्लरिश किया था. फ्लरिश कहते हैं फलना फूलना. और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कॉन्ड्रोस्टियंस हैं. इनके जो दो बहुत प्रिमिटिव जेनरा हैं ये टेम्परेट से वार्म फ्रेश वाटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मौजूद आपको मिलेंगे. लेपिसो स्टेस द गार्प गार्पाइक हैज थिक स्केल्स एंड लॉन्ग जार्स दैट इट यूजेज टू कैच फिश. आपको लेपिसो स्टेस के अंदर लार्ज के थिक स्केल्स मिलेंगे और इसके जार्स काफ़ी लार्ज होते हैं जो फिश को कैप्चर करने के लिए यूज़ होते हैं. एमिया कॉमन फिश. एमिया का कॉमनली हम कहते हैं डॉग फिश या बो फिश. और उसके बाद ये लिविंग फिशेस का जो ग्रुप है इन ये मॉडर्न फिशेस हैं और ये एनिशियंट मरीन एक्टिनोटेराजाए से ट्रायसिक पीरियड में डाइवर्ज हुई थी. इनके अडाप्टेशन वगैरह आप देख लें. द नंबर ऑफ टेलिया स्पीशीज जो हैं तकरीबन 24,000 से ज़्यादा एक्सीड करती हैं. अच्छा, अब ये एक्टिनोटेराजाए के अंदर आपको ए में दिखा रहे हैं शॉवल नोज स्टर्जियन. इसका साइंटिफिक नेम है स्कैपहेयर हाइनेकस प्लेटोरिंकस. ये देखें बी में आपको दिखा रहे हैं पैडल फिश दिखा रहे हैं. ये देखें बी में पैडल फिश आपको दिखा रहे हैं. ठीक है, इनके डिस्टिंक्ट और इसका साइंटिफिक नेम है पॉलीडॉन स्पैथ्यूला. उसके बाद ये सी डायग्राम. इसके बाद इसकी
18.14 में ए दिखा रहे हैं फ्लैटफिश, विंटर फ्लंडर, सियोडो प्लेरो नेक्टिस अमेरिकनस। इसकी जो बोथ आइज हैं वो राइट साइड ऑफ द हेड पे हैं और ये अमूमन एक साइड पे जो है रहती है, इसका बॉडी पोस्चर ऐसा होता है। ये देखें इसकी ये वो जैसे ना लेटरली लेटी हुई होती है, इसकी आंखें दोनों बॉडी की एक साइड पे हैं। ये आप देख लें फ्लंडर के अंदर आपको अडाप्टेशन मिल रही है। वैसे तो ये होता है ना कि दोनों साइड पे आंखें होती हैं, लेकिन इसकी एक साइड पे और ये एक साइड पे ही बरीक करती है। उसके बाद बी में आपको येलो टेल स्नैपर दिखा रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम है ऑक्यूरस क्राइसुरस, ये येलो टेल स्नैपर। उसके बाद आपको सी में दिखा रहे हैं द सार्केस्टिक फ्रिंज हेड, इसका नाम है साइंटिफिक न्यूक्लेनस ब्लैंचार्डी। ये देखें ये होल के अंदर होल से बाहर निकली हुई है, एग्रेसिव प्रीडेटर है ये, अपने कोई भी इंट्रूडर जो हैगा तो उसको बाइट कर जाती होती है।